राजस्थान एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम जारी करने वाले गिरोह के खिलाफ शिकंजा कसा है। टीम ने कोटा से फर्जी सिम जारी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के द्वारा ग्राहकों की आईडी से अन्य सिमें बिना ग्राहक की जानकारी के बेची गई थी। कोटा से जारी फर्जी सिमों का मॉडम बॉक्स में काम में लिया जा रहा था। एटीएस की टीम ने आकाश शर्मा निवासी हनुमान बस्ती दादाबाड़ी, रवि प्रकाश निवासी बैरवा बस्ती को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 23 फरवरी को विनय जैन, महेंद्र व हेमराज को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कोटा में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग को लेकर लगातार वकीलों का आंदोलन जारी है। कोटा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल संघर्ष समिति के बैनर तले अदालत परिसर के बाहर अनशन जारी है। आज वरिष्ठ अधिवक्ता व संघर्ष समिति के सदस्य एडवोकेट महेश शर्मा सहित अन्य अधिवक्ता अनशन पर बैठे और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग के लिए आवाज को बुलंद किया। आंदोलनकारी वकीलों का कहना है कि सरकार के द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पेश करने पर सहमत होने का वकील समुदाय स्वागत करता है, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को संशोधित करके पेश किया जाए तो वकीलों के हित में होगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि वकीलों को सिर्फ कोर्ट परिसर में नहीं बल्कि हर जगह सुरक्षा की जरूरत है। उस एक्ट में जो प्रावधान किया गया है कि वकील अपने अदालत परिसर में उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। वकील को अदालत परिसर में कोई प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। वकील को अपने परिवार के साथ अपने शहर में, अपने कॉलोनी में, अपने प्रदेश में सब जगह प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। इस विसंगति को दूर करने के लिए वकील विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा एक और विसंगति है कि वकील जो शिकायत करेगा उस अभियुक्त के विरुद्ध 2 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है, पर यदि किसी ने मिल करके और उसमें कोई मिलीभगत करके उसको अगर झूठा पाया गया तो वकील को 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गर्ग आज कोटा दौरे पर रही। संगीता गर्ग ने कोटा के बाल गृह और नारीशाला का निरीक्षण किया और अधिकारियों को व्यवस्थाएं पुख्ता करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन सहित बाल कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बालक बालिकाओं ने रहने और खाने पीने की व्यवस्थाओं को और सुधार करने के लिए संगीता गर्ग से कहा। कोटा रिटेल केमिस्ट क्लब की ओर से आज होली मिलन एवं फार्मासिस्ट सम्मान समारोह शॉपिंग सेंटर स्थित एक निजी होटल में आयोजित हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पीसीसी सदस्य कांग्रेस नेता शिवकांत ननवाना ने शिरकत की। इस मौके पर कोरोना काल में जनसेवा के महत्वपूर्ण कार्य करने वाले मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोगों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान केमिस्ट क्लब के अध्यक्ष दीपक वर्मा सहित सभी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोग मौजूद रहे। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।